व्यूवर्स, आज है ईद का दूसरा दिन और तारीख है 11 अप्रैल और मेरा वेट हो चुका है 65 से 72। इट्स टू मच और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरा वेट इतनी जल्दी मैंने गेन कर लिया है। इसीलिए मैं रोटी और इन चीज़ों से इतना अवॉइड करती हूँ और अभी अवॉइड करती हूँ और उसके बावजूद देखे मैंने बस कुछ दिन मैंने खाया और मेरा वेट इतना ज़्यादा हो गया। और जनाब अब इंशाल्लाह मैं 11 मई को आपको दिखाऊंगी कि मैंने कितना अपना वेट जो है मैंने रिड्यूस किया है। इंशाल्लाह पहले तो ये है कि मैं आपको 20 डेज़ में आपको दिखाऊँ कि जी मैंने कितना मैंने रिड्यूस किया। कि आज मेरे मियाँ मुझे कहते हैं कि इतनी तो मोटी हो गई हो और कुछ करो। मुझे यकीन करें कि मुझे खुद अपने आप को देख के इतना मुझे बुरा लग रहा है और मैं कहूँ कि हाँ मैंने तो कुछ खाया ही नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं खाया और पता नहीं मैं कैसे मोटी हो गई हूँ। खाने के बगैर आप मोटे नहीं हो सकते। मैंने खाया और अब आप ये देखें कि इतना मैं परहेज़ करती हूँ, बस मैंने कुछ दिन ही मैंने खाया और उसके बाद आप मेरी ये चिन देखें, अल्लाह ये मेरी आप चिन देखें, मेरा इतना बड़ा फेस हो गया। इंशाल्लाह आपको मैं 11 मई को मैं अपना रिज़ल्ट दूंगी कि मैंने कितना मैंने वेट जो है मैंने कम किया है। कैसी हो? अच्छा, इसको कान में डाल के और फिर बात होती है, एयरपोर्ट की तरह है ना। जब मैंने लेट नाइट बाजार के लिए निकलना हो तो बस फिर समझ जाया करें कि मैं अपनी छोटी बहन के साथ और बहनोई के साथ गई हूँ। तो जनाब उनकी कॉल आई कि हम लोग जा रहे हैं, बाज़ार जा रहे हैं और हमारे साथ चलना है तो चलो। तो बस मैंने भी फटाफट फिर तैयारी की और जनाब हम चले गए। और मैं आपको सही बताऊं तो मुझे तो बिल्कुल भी किसी ब्रांड पे बिल्कुल मज़ा नहीं आया, कोई चीज़ अच्छी नहीं थी। और उसके बाद फिर हम चले गए मॉल ऑफ मुल्तान। मॉल ऑफ मुल्तान भी वही कुछ था, बस मुझे तो इतनी कुछ ख़ास चीज़ें नज़र नहीं आई। यहाँ फिर भी कुछ बेहतर है ऑन स्टेज में, वहाँ तो लाइम लाइट पे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। ऐसे लग रहा है जैसे कोई मंडी लगी हुई है, कोई क्वालिटी नहीं थी। अमर ये वाला देखो, ग्रे वाला ये अच्छा लग रहा है। फॉर्मल में है ये। अब हम आए हैं जनाब बुलते फुलते हुए जनरेशन पे और खैर उसके अलावा हर जगह क्वालिटी अच्छी है। जैसा कि हम लोग गए हैं किधर, हाय अल्लाह मैं तो भूल गई हूँ, लाइम लाइट। व्यूवर्स मुझे ये बहुत पसंद आया है बारिजे पे। ये मैं आपको बताऊं कि वाकई जो है बारिजे बारिजे है, इनकी लॉन हो गई और इनका फैब्रिक नो डाउट। अंबर कलर चेंज कर लो, यही लोगी ये तुमने इस तरह पहले पहने? अच्छा वाइट कौन सा, ये वाला जो नीचे वाला है, ब्लू के नीचे है। ब्लू के नीचे, अच्छा सेम। अच्छा ये वाला ब्लू और येलो है, ठीक है। ये वाला ब्लैक है। ये है जनाब सब लेडीज का मोस्ट फेवरेट ब्रांड एथनिक। मोस्टली सभी लेडीज जो हैं वो यहाँ की जो कलेक्शन है स्टिच्ड में अनस्टिच्ड में सब पसंद करती हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इनकी अनस्टिच। ये इनकी जनाब कलेक्शन है अनस्टिच में, जो कि कोई इतनी ख़ास नहीं है।
और इनकी जो विंटर में जो इस तरह के जो इनके कपड़े थे अनस्टिच में, वो भी ऑलमोस्ट यही इनकी डिज़ाइनिंग थी। पहले तो मैं समझी हूँ कि ये उसमें विंटर की इन्होंने रखे हुए हैं, लेकिन फिर मैंने पूछा, मैं कहा ये विंटर है या समर, उन्होंने कहा नहीं जी ये समर है, और मोस्टली जो है वही इनकी डिज़ाइनिंग है। ये है जी मटन चॉप्स, ये है मिनी पिज़्ज़ा, उसके बाद ये फ्रूट सैलड, सैंडविचेस और चिकन वाइट पास्ता, और ये है बर्गर्स, शामी चिकन कोरमा, सीख कबाब, ब्राउनीज, आह हा 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 हा। और जनाब इसमें क्या है, इसमें वो ख़ास बात है जो ईद की त्यौहार में होता है, सवैयाँ। सवैयाँ, टिपिकल सवैयाँ, जर्दा सवैयाँ, जर्दा सवैयाँ। अच्छा भैया, ऑनलाइन में नहीं देगा मैं तो लो ना अम्मा, वो पहुंचा है, वो पहुंचा है, चले अब। चल चल, ये तो आपकी बेटी है। अगले कब मिल लो, मिल बात ये व्यूअर्स, मेरा बहुत ही प्यारा भांजा, मेरा बड़ा शर्मीला भांजा कमजोर हो गया, मैं सब चीज कमजोर हो गए रोजे रख रख के, है ना। अच्छा जी, तुम्हें निकालो, निकालो जी, चलो झाड़ी आ गई बुल्ला जी आज, आओ भाई तुम भी आके मिलो ना। व्यूवर्स, आज मैं अपना फेशियल भी करवाए, स्किन बड़ी ख़राब भाई, ते उनके बाद जनाब आज मैं अपना फेशियल कीते, ज़रा फ्रेश हो गई हूँ। फिर ये है कि अच्छा ये देखें कि हालांकि मैं ख़ुद सैलून वाली हूँ, और लेकिन वाकई मैं ख़ुद भी जो है, मैं अगर मैं फेशियल ना लूँ, एक माह तक ना लूँ, तो वो आपका जो कलर है वो बड़ा डल सा हो जाता है। तो वो ज़रूरी नहीं है कि आपने चिट्टा होने के लिए आपने फेशियल करवाना है, आप अपनी स्किन को ग्लो करने के लिए आप फेशियल करवाएं। और दूसरा ये होता है कि फेशियल करवाने का ये फ़ायदा होता है कि आपकी जो डेड स्किन होती है वो रिमूव होती है। तो इसलिए भाई मैं तो मंथ में एक दफ़ा लाजमी लेती हूँ, अगर मैं मंथ में एक दफ़ा ना लूँ तो मेरा तो ख़ुद भी जो है ना बड़ा काम ख़राब हो जाता है मेरी स्किन का। और फिर ये है कि मैनी पैडी तो मस्ट है, मैनी पैडी तो जो हो जाए, अगर मैंने फेस का नहीं करवाया लेकिन मैं मैनी पैडी लाजमी लेती हूँ। आज मैंने करवाया है अपना फेशियल क्योंकि ईद पे टाइम नहीं मिला करवाने का, और उसके बाद जब सियारात से आई हूँ तब भी नहीं करवा सकी, और मैं वहाँ से लेकर आई थी एक राइस जेल, वाइटनिंग जेल, बड़ी ज़बरदस्त है ये। ये देखिए जनाब, ये ऐसे ये मैंने यूज़ की है, अपने फेस पे करवाई है। और अगर आप में से किसी को यहाँ से मिले तो इसे ज़रूर यूज़ किया करें। एक तो इसका फ़ायदा ये है कि जो आपकी स्किन रेड हो जाती है, एक्ने है, और वाइटनिंग इफ़ेक्ट के लिए बड़ी ज़बरदस्त है ये राइस। तो आपको पता है कि वैसे भी हमारी वाइटनिंग इफ़ेक्ट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इसको रख लूँ भाई। अच्छा व्यूअर्स, मैं एक ड्रिंक बना रही हूँ सेवन अप में, जो कि बड़ा ही मज़े का बनता है। और अब ये मैं बना रही हूँ तीन ग्लास, ये मैंने ले ली है फेस के भी, मैंने ले ली है स्ट्रॉबेरीज, और ये है तीन चार पाँच छः। अच्छा जी, ये लेंगे, इसमें मैंने थोड़ा सा मैंने डालना है पानी, ठीक है, इतना काफ़ी है, आधा कप काफ़ी है। और उसके बाद जनाब अब मैं इसमें डाल रही हूँ वन टू थ्री
एंड फोर, क्योंकि स्ट्रॉबेरी जो है जरा खट्टी होती है, इसलिए मैंने और जो है स्पून मैंने इसके चीनी भी डाले हैं और अब हम इसको इसमें अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। अच्छा जी, अभी सही तरह से ब्लेंड भी नहीं हुई स्ट्रॉबेरी, और इसमें मैं डाल रही हूँ आइस क्यूब्स ताकि ये अच्छी तरह से सारा ये ब्लेंड हो जाएगा। शहजादे कैसा बना है? अच्छा, लेकिन थोड़ा सा खट्टा। खट्टा इसलिए मैंने शुगर कम डाली है। लेकिन अच्छा कम है, अभी 4 चम्मच कम है। हाँ ठीक है, नॉर्मल है, इतनी ज़्यादा नहीं है। और व्यूवर्स, आप इसे डाइट 07 में भी बना सकते हैं, जो डाइट कॉन्शियस हैं मेरी तरह, तो वो आप चीनी ना डालें और उसके बाद आप इसको 07 में डालें और इंजॉय करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। क्या हाल है आपके? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आज जनाब है ईद का तीसरा दिन, और पहले तो सबसे आप सबसे माजर, जो मेरी कल के ब्लॉग में हुआ मुझे नहीं समझ आ रही कि जनाब उसके जो ग्राफिक है उसका क्यों खराब हो गया, पता नहीं, मेरे साथ ये फर्स्ट टाइम हुआ है। हालांकि मैंने जब एडिटिंग वगैरह की है बिल्कुल ठीक था, और उसके बाद मेरे मियाँ ने मुझे कहा कि ये क्या किया तुमने, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं पता ये किस तरह से थी। मेरी सिस्टर की कॉल आ गई कि जी वो वीडियो तो बिल्कुल ख़राब है, और फिर अली खान है उन्होंने मुझे कमेंट किया, और एक हमजा है उन्होंने मुझे कमेंट किया। अगर आप में से किसी को इस चीज़ का है कुछ नॉलेज है कि इस तरह से ऐसे जो ग्राफिक्स हैं वो क्यों ख़राब हुए हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर मुझे बताइएगा। और जनाब सुनाएं आप सबकी कैसी ईद गुजरी है? मेरी तो सच्ची बहुत बिजी गुजरी है। एक तो कोई मुलाजिम घर में नहीं है, 3 दिन हो गए हैं काम, और इवन के कल मैंने मशीन लगाई है कपड़े धोने वाली, कॉलर के कपड़े बहुत ज्यादा इकट्ठे थे वो मैंने धोए हैं, उसके बाद घर के कपड़े बहुत ज्यादा इकट्ठे हैं, बेडशीट्स और जो हाथ वाले कपड़े हैं वो भी काफी सारे इकट्ठे हैं। तो बस ये कि मेरा तो सारा, आज मैं अपने मियाँ से नाराज हुई, मैंने कहा आपने बच्चों को 3 दिन की छुट्टी किस लिए दी है भाई, वो हर वक्त अपने घर जा रहे, कम से कम उसको 3 छुट्टी तो ना देते। हाँ जिस तरह से माइयाँ वगैरह आ जाए तो फिर आप उसको छुट्टी दे देते, चले 2 दिन के लिए हो जाती। अब मैं सारा काम मैं कर रही हूँ, तो बस इस तरह से। अब ये है कि जनाब एक तो मैंने आपसे आज के ब्लॉग शेयर किया है, जो मैंने एक ड्रिंक बनाया है उसको मुझे बताइएगा कि वो कैसा बना है ड्रिंक, अगर आप पहले बनाते हैं तो आपको फिर उसके टेस्ट का पता होगा। और जनाब बस बाकी ये है कि जी कुछ मैंने इस ब्लॉग में अब आपसे वो मैंने शेयर कर रही हूँ, बल्कि किए मैंने स्टार्ट में मैंने शेयर कर दी है आपसे। जिस तरह से एक तो मैं चांद रात को हम लोग गए थे बाजार गए थे, और चांद रात से एक दिन पहले गए हैं, 28वें रोजे को गए हैं, रात को 11 बजे के बाद हम लोग गए हैं, वो भी मैंने उसकी कुछ क्लिप्स आपसे शेयर की हैं। और जनाब और मैंने जो मेरी बहन ने जो खाना वगैरह बनाया हुआ था सारा, उसके भी मैंने कुछ आपसे 2-3 वीडियोज जो है वो मैंने आपसे शेयर की हैं। तो बस अब ये है कि मुझे आपने लाजमी कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि इसकी क्या रीज़न हुई है कि जो ग्राफिक्स हैं वो क्यों उसके ख़राब हुआ, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम मैं कॉन्शियस रहूँ, और अगर मेरे से भी ऐसी गलती हुई है तो मैं दोबारा से वो गलती ना करूँ। आपने शामी के लिए वो रखे, फोक रखे? वो मिल रहे थे। ठीक है, ये रख दो। और जनाब सुनाएं आप सबकी ईद कैसी गुजरी है? सारा दिन यही हाल है कि बर्तन धुल रहे हैं और बर्तन रख गई हूँ, शेरवानों की यूनिट खुल जाएगी मंडे से, ये मंडे से इसकी रूटीन स्टार्ट हो जाएगी, कल से इंशाल्लाह हमारा पूरा स्टाफ भी आ जाएगा कॉलर का, और बस वही रूटीन हमारा स्टार्ट हो जाएगी। खैर मेरी तो वही रूटीन रही है, इन दिनों में भी कोई छुट्टी नहीं थी कुछ नहीं। और जनाब अब ये है कि आपने मुझे इसमें कमेंट्स में बताना है, एक तो ये वाला कि ये मेरे से गलती किस मेरे से हुई है, या वैसे पीछे से यूट्यूब की तरफ से ये कुछ ग्राफिक्स में वो खराबी हुई है। और जनाब अब मुझे आपने इजाज़त, मेरे व्लॉग के ख़त्म होने का टाइम हो गया है। जो मेरे न्यू सब व्यूवर्स हैं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से फटाफट जनाब तो से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, ताकि मैं मज़ीद तो मज़ीद कितना तो से मेरी क्या अक्सू के क्या बता क्या कहेंगे कि आप मेरे जितनी वीडियोस को लाइक करेंगे, ठीक है,
मैं उतना ज़्यादा खुश रहूँगी और मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे व्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी। अभी भी खैर मैं कर रही हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि आप लोगों की वजह से आप लोग जब कमेंट्स करते हैं तो और मुझे एक बहुत है कि जी एनर्जी मुझे मिलती है। आप लोगों के जो कमेंट्स हैं मेरे लिए बड़ी वैल्यू रखते हैं। अच्छी वाली ज़बरदस्त वाली मैंने डाइट स्टार्ट कर दी जिस तरह से मैं पहले करती होती थी, अब मैंने उस तरह से जो है बिल्कुल डाइट स्टार्ट कर दी है। और इंशाल्लाह मैं आपको जो है ना, मैंने आपसे वो वीडियो शेयर की है जो मैंने जो है स्केल के ऊपर खड़ी हुई हूँ और मेरा 65 से मेरा 72 मेरा वेट हो गया, इट्स टू मच भाई। और मेरे मियाँ ने मुझे कह दिया कि बस कर दो, तुम इतनी मोटी क्यों हो गई हो। इस दफ़ा बस मेरे साथ इस तरह से हुआ है कि मैं एकदम मेरा वेट जो है इतना गेन हुआ है। तो जनाब अब आप मुझे दें इजाज़त, ठीक है, गाँव में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।